चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं और इस एशियन गेम्स में मुकाबला हुआ नेपाल और मंगोलिया के बीच। वहां बने तीन बड़े रिकॉर्ड बनने, क्या क्या बने रिकॉर्ड वो सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैच समरी देखिए आप, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। नेपाल की टीम ने T20 का ही मुकाबला था, जी हाँ T20, आपने सही सुना, T20 का मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी की 314 रन लगा दिए 3 विकेट के नुकसान पर, यानी ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि T20 इंटरनेशनल में आज तक किसी टीम ने 20 ओवर में इतना बड़ा स्कोर हासिल नहीं किया। इससे पहले जो स्कोर था वो अफगानिस्तान की टीम ने हासिल किया था, लेकिन उसे बहुत पीछे छोड़ दिया नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ। पहले बल्लेबाजी की 314 रन बनाए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुआ ये। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कुशल मल्ला 137 रन, सिर्फ 50 गेंदों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। ये दूसरा रिकॉर्ड है जो इस मैच में बना, जो इंटरनेशनल T20 की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और तीसरा रिकॉर्ड जो बना रोहित पौडेल, जिन्होंने 27 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। और इसमें तीसरा जो रिकॉर्ड बना वो ये कि सबसे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, जो कि इससे पहले युवराज सिंह के नाम के था, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 बॉलों पर 2007 में बनाया था, जिसमें शानदार 6 छक्के भी शामिल थे, वो रिकॉर्ड था। लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है युवराज का, अब ये रिकॉर्ड जो है 9 बॉलों पर 50 रन का हुआ। तो इस तरह से नेपाल की टीम ने 314 रन बनाए, जवाब में मंगोलिया की टीम ने सिर्फ 41 रन बनाए और पूरी टीम 13.1 ओवर में 41 पर ऑल आउट हो गई। नतीजा ये हुआ कि नेपाल ने 273 रनों की बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। सुबह एक बहुत बड़ी जीत नेपाल के हिस्से में आई, और एशियन गेम्स के लिहाज से भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, तो भारत के सामने एक अच्छी चुनौती है नेपाल। देखिए बिल्कुल, ये नेपाल ने जिस तरीके का मंगोलिया के सामने लक्ष्य रखा है, देखिए 314 रन आप बना दे रहे हैं मात्र 120 गेंदों पर, यानी कि 20 ओवर का यह मुकाबला, वहाँ पर 314 रन। आप सोच सकते हैं कि 50 ओवर में भी जब ये 314 रन बन जाते हैं तो इसको चेज कर पाना कितना मुश्किल होता है। वहीं पर 20 ओवर में इस तरह का लक्ष्य देना मंगोलिया की टीम, देखिए कोई भी टीम हो, अगर आप नेपाल से अभी हाल ही में भारत ने भी खेला था तो वहाँ पर जिस तरीके का बॉन्डिंग दिखाई दी थी इंडियन प्लेयर्स में, कि जिस तरीके से वो फैंस थे यहाँ के, भारत के जो नंबर वन टीम है, इंडिया नंबर वन टीम है, उनके जो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को देखकर वो खेलते हुए आगे बढ़े हैं, तो नेपाल की टीम ने जो करिश्मा किया है उससे ये लगता है कि भारतीय टीम जो वहाँ एशियन गेम्स में जा रही है उसको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने की दावेदारी पेश कर रहा है भारत, लेकिन नेपाल से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्या कहते हैं नीरज? बिल्कुल, नेपाल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया, हालांकि मानना पड़ेगा कि मंगोलिया जो टीम है सामने कमजोर टीम थी, और मंगोलिया ने जो पिछला मुकाबला खेला था वो भी बहुत बुरी तरह से हारे थे, तो उस लिहाज से देखें तो नेपाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अगर नेपाल का मुकाबला भारत के साथ हुआ तो मुश्किल में पड़ सकती है नेपाली टीम, क्योंकि भारतीय टीम में तमाम IPL के स्टार्स हैं और वो धुआं धुआं कर देंगे नेपाल को।